गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप सभी का कक्षा 5 में हिंदी व्याकरण विषय पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है विराम चिन्ह। चिन्ह आप समझते होंगे, विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम अपनी बात कहते हैं तो उसमें कई बार रुकते हैं तथा कभी कभी किसी बात पर बल देते हैं। इस प्रकार अपनी बात को दूसरों के आगे प्रभावशाली ढंग से रखा जा सकता है। लिखित भाषा में अपने इन भावों या इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा में अस्पष्टता लाने में सहायक होते हैं तथा भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने या संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ये जो दिए गए हैं वो विराम चिन्ह हैं। अब इस चिन्ह को क्या कहा जाता है वो उस बगल में लिखा हुआ है। जैसे ये चिन्ह, इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह इस प्रकार होता है। विस्मयादि बोधक, उद्धरण चिन्ह इस प्रकार, इस तरह लगाया जाता है या फिर इस प्रकार। अल्प विराम इस तरह से, अर्ध विराम इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह ये। अब पूर्ण विराम कब लगाया जाता है वो देखिए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। ये लास्ट में जो चिन्ह लगा है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, जब वाक्य पूरा होता है। जब कोई भी वाक्य पूरा होता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो यहाँ भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, नीचे अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। थोड़ा विराम मतलब थोड़ा रुकना। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे प्रिय रंग लाल, नीला, पीला और हरा है। तो देखिए ये वाक्य है, वाक्य के बीच में यहाँ थोड़ा सा रुका गया है, यहाँ रुका गया है, तो जहाँ जहाँ रुका गया है वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगा है। जैसे यहाँ भी अल्प विराम लगा है और यहाँ भी अल्प विराम लगा है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का वाक्य थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। पिताजी बाजार से सेब, केले, संतरे व अंगूर लाएं। पिताजी बाजार से सेब, फिर थोड़ा सा रुका, फिर केले, फिर यहाँ थोड़ा सा बच्चा रुका, फिर संतरे बोलता है। तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा वो रुकता है, तो यहाँ क्या चिन्ह लगेगा? अल्प विराम। ये चिन्ह को हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अर्ध विराम। एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे
गांधी जी राष्ट्रपिता ही नहीं थे, विश्व पुरुष भी थे। ये जो चिन्ह है वो अर्धविराम का चिन्ह है। और अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अर्धविराम का प्रयोग एक बड़े से वाक्य में छोटे वाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये गांधी जी राष्ट्रपति ही नहीं थे, ये एक वाक्य हुआ, उसमें ये छोटा वाक्य जोड़ा गया है, तो एक बड़े वाक्य में छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक, अब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस प्रकार होता है। अब इसका प्रयोग कब होता है? तो मनुष्य के मन में अनेक भाव उठते हैं, जैसे खुशी, भय, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि। इस प्रकार के सभी भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, हम ये मैच भी जीत गए। कोई बच्चा है जो अपने मन के भावों को व्यक्त करता है, वाह हम ये मैच भी जीत गए, तो वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग मन के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे मन के अनेक भाव होते हैं, जैसे खुशी, भय, दुख, घृणा, आश्चर्य, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चा खुशी जता रहा है, वाह हम ये मैच भी जीत गए, तो वाह के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छी, यहाँ कितनी गंदगी है। एक बच्चा बोलता है छी यहाँ कितनी गंदगी है, तो वो ये छी बोल रहा है, वो भी अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए छी के बाद विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। अब योजक चिन्ह, तुलना करने वाले शब्दों या शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो शब्दों की तुलना की जाती हो, या फिर शब्द युग्मों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात, बीच में योजक चिन्ह आया है, लड़का लड़की बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता बीच में योजक चिन्ह है, तो तुलना करने वाले शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह, ये है उदाहरण चिन्ह, इस प्रकार से लगाया जाता है या फिर इस प्रकार। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो अज्ञान का अंधकार दूर करो। ये जो बात है वो विवेकानंद जी ने कहा है, उस बात को हम ज्यों का त्यों दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस तरह से होता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हम लोग डामे आकार और फिर ये लाघव चिन्ह लगाते हैं, तो इसको भी हम लोग डॉक्टर पढ़ते हैं। ये विशेषण, तो इस तरह से उसका हम लोग संक्षिप्त रूप लिखते हैं। ये प्रश्न, तो प्र करके लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को संक्षिप्त रूप में दिखलाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप पेज नंबर 68 और 69 यह हमने जितने भी पढ़ा उसे आप याद करेंगे। थैंक यू।